प्रदेश सरकार को भाजपा नहीं बल्कि आरएसएस चला रही है, ये आरोप कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भाजपा पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय में आरएसएस का बोलबाला है और जो भी आदेश आरएसएस द्वारा दिए जाते हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज अधिकारियों में असंतोष और भय का माहौल है। कांग्रेस महासचिव हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर तीखा प्रहार बोलते हुए कहा कि हिमाचल की भोली भाली जनता ने भाजपा को बहुमत प्रदान इसलिए किया था ताकि प्रदेश का विकास हो, लेकिन आज प्रदेश में भाजपा नहीं आरएसएस का राज चल रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता ने भाजपा को चाबी सौंपी थी, ना कि आरएसएस को। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारों तरफ असंतोष का माहौल फैला हुआ है। आज हमारा जो प्रशासन है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस प्रशासन है, वो डिमोरलाइज्ड है, हताश है। और इसलिए है क्योंकि आज इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज नहीं कर रही है, आरएसएस के लोग राज कर रहे हैं। आज जो जनादेश है वो बीजेपी की सरकार को, बीजेपी पार्टी को हिमाचल की जनता ने दिया था, मगर आज आरएसएस के लोग मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के निचले लेवल तक जो है वो बैठे हुए हैं, आदेश दे रहे हैं, और अधिकारी जो है वो डिमोरलाइज और हताश है।